एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को खुद अपनी जान दे दी। तो वहीं आपको बता दें कि जब से सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर सामने आई है, तभी से हर एक शख्स बस यही जानना चाहता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने इतना बड़ा कदम उठाया। तो वहीं आपको बता दें कि लगभग 35 लोगों के बयान पुलिस दर्ज करवा चुकी है। तो वही हाल ही में खबर सामने आई है कि सलमान खान की पूर्व सेलिब्रिटी मैनेजर रेशमा शेट्टी का भी मुंबई पुलिस ने बयान दर्ज किया। रेशमा शेट्टी बॉलीवुड की बड़ी प्रसिद्ध टैलेंटेड मैनेजर हैं। उन्होंने सलमान खान, अक्षय कुमार और आलिया भट्ट के साथ भी काम किया। अब तक इस मामले में कुल 35 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। सुशांत सिंह सुसाइड मामले में पुलिस ने सलमान खान की पूर्व मैनेजर से लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की। सलमान खान से अलग होकर रेशमा शेट्टी ने अपनी अलग टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू की है, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार क्लाइंट्स हैं। पुलिस को इस बात का अंदाजा था कि रेशमा शेट्टी कई बॉलीवुड कलाकारों का काम देखती हैं, तो उन्हें ये पता हो सकता है कि क्या सुशांत सिंह को लेकर किसी तरह की घेरेबंदी बॉलीवुड में की जा रही थी या फिर नहीं।